हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले हमने प्लीज़ सब्सक्राइब, इसे जो मतलब यहाँ पर एक चीज़ बोली थी कि आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वही बात है कि टाइम वेस्ट करना हुआ एक तरह से। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। और यहाँ पर इससे पहले हमने क्वेश्चन, ये हमारा जो टॉपिक चल रहा था सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित था, तो इसमें अभी तक हमने 37 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे एमसीक्यूज के रूप में। अब हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को, फिर आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे यहाँ पर है रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ये कहाँ पर थी? सौराष्ट्र में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 38, दधेरी क्या है? दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरास्थल है, और ये इसमें पूछा गया कहाँ का है, तो दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पा पुरास्थल है। कहाँ का है? पंजाब का। कहाँ का है? पंजाब। तो दधेरी एक पर्वतीय पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदवांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। तो दधेरी एक पर्वतीय पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदवांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? क्या पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आपने पढ़ा होगा कि लोथल गुजरात में है, तो सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर सरगवल, कौन सा गांव है? सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। आपको ये बताना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, वह हड़प्पई नगर जिसका प्रतिनिधि लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? तो ये भोगवा नदी पर स्थित है। लोथल को आपने याद किया था, किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। और ये भी अभी बताया गया था कि हड़प्पी नगर लोथल कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या? हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर पूछा गया है, आंसर क्या होगा इसका? लोथल पढ़ा है इसको। और क्वेश्चन नंबर 43, ये फिर से रिपीट कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? हड़प्पा का एक बंदरगाह है, तो आपको याद होगा लोथल को हमने पढ़ा था। अब ये वाला सही से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है बनावली से। किससे मिला है? बनावली से। तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है कि हल का टेराकोटा, ये आपको बताया था जब जे इसके जो डिटेल में हम सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि बनावली कहाँ पर स्थित है और वहाँ से हमें क्या मिला है। तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सिंधु घाटी, तो कालीबंगा आपने पढ़ा था कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। रोपड़ भी आपको बताना है कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल को भी बताना है, तो ये कौन सा स्थित नहीं है, पाटलिपुत्र नहीं स्थित है, आपको पता होगा। कुछ क्वेश्चन सेंस के आधार पर भी सही किए जा सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप उसमें ये लगा सकते हैं कि हमने ये पढ़ा, और जो नहीं पढ़ा हो सकता है उसका वही आंसर हो। तो कालीबंगा, रोपड़ तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन एक प्रमुख नगर है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारत में हड़प्पा बृहद स्थल है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो भारत है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? तो ये होगा राखीगढ़ी। हरियाणा, राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरी वाला, ये आपको याद रखना है, ये वाला आपको शायद नहीं ध्यान होगा, गनवेरी वाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारतीय हड़प्पा सभ्यता के पांच बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। अब जैसे पेपर में ज़्यादा से जब कभी डीप उठाता है, तो ऐसी ही लाइन को वहाँ से उठा लिया और पेपर में दे दिया, फिर नहीं हो पाता है, हमने पढ़ी नहीं है। हम तो केवल ये पढ़े बैठे हैं कि हड़प्पा का बृहद स्थल क्या है, तो हमें ये पता है राखीगढ़ी, आंसर बस क्लिक हो गया। लेकिन जब पाँचों अगर कर देगा तब नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि पाँच बृहद स्थल कौन कौन से हैं। तो पाकिस्तान के हैं तीन, कौन कौन से? एक तो मोहनजोदड़ो, दूसरा हमने पढ़ा है धौलावीरा,
धौलावीरा, तीसरा हम पढ़ रहे हैं गनवेरी वाला, जो कहाँ पर स्थित है गनवेरी वाला, पाकिस्तान में गनवेरी वाला। और भारत में कौन से दो स्थल हैं, एक तो राखीगढ़ी है, दूसरा धौलावीरा। जब ऑप्शन में राखीगढ़ी नहीं दिया तो आपको क्या लगाना है, धौलावीरा। तो यहाँ पर राखीगढ़ी और दूसरा स्थान जो है धौलावीरा। नहीं याद रहे आपको ऐसे ध्यान रखना है कि राखी पवित्र होती है तो पहले प्रमुख के रूप में किसको रखेंगे राखी को, बाद में हम किसको रखेंगे धौलावीरा को, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है कि राखीगढ़ी पहले है या धौलावीरा। तो क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत का सबसे बड़ा, क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल क्या है, राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी किन नदियों, तो हमने इसको पढ़ा था कि जो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था, सिंधु नदी। और चिनाव को भी हमने पढ़ा था, चिनाव, तो और झेलम भी पढ़े थे, लेकिन हमने इसमें किसको नहीं पढ़ा था, गंगा को नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंदन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु एवं चिनाव नदियाँ शामिल है, लेकिन इसमें कौन सी नदी नहीं शामिल है, गंगा नदी नहीं शामिल है। तो अगला क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे कि इसमें आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे, आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, ये मातृ शक्ति वाला तो क्लियर है। अब इसमें जैसे हमें ये देखना है क्यों इसका आंसर नहीं दिया गया, तो जब एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो इसलिए पता चल रहा है कि इसका आंसर क्यों नहीं दिया है। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इस कारण उन लोगों को धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आपको ये बताना है कि हमने जब इससे पहले जो काल पढ़ा था पाषाण काल, तो सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में आती है, ये आपको बताना है। फिर उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बोलचाल से मातृ शक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। अब ये बताना है कि अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं कहाँ से मिले। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में इस विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृ शक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो इसको रिवाइज कर लीजिए, जैसे कोई मेंस एग्जाम हुआ तो उसमें ज़्यादा आपके ये आंसर काम आएगा। जैसे यहाँ पर है, सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों के बोलचाल से मातृ शक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मातृ शक्ति का उपासक मानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। किसका पूछा गया कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति की करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो यहाँ पर बता रहा है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो ये थे सर जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक। सर जॉन मार्शल के निदेशक पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और राखलादास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। अब हमें दोनों याद रखना है कि जैसे मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की जो पुरातत्विक खुदाई, उसके प्रभारी कौन थे, जॉन मार्शल थे। कौन है, जॉन मार्शल। यहाँ पर बड़े याद रखिएगा कि पुरातत्विक खुदाई की बात हो रही है, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे ये सर जॉन मार्शल, और 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का तथा वर्ष 1922 में राखलादास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया। क्वेश्चन नंबर 52, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो अभी हमने पढ़ा था राखलादास बनर्जी और दयाराम साहनी का। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर हड़प्पा, दयाराम साहनी सुमेलित है। अगला देखिए क्या है इसमें, लोथल, लोथल का उत्खनन एस आर राव हमने पढ़ा था। सुरकोतदा, सुरकोतदा भी हमने पढ़ा था। जेपी जोशी, धौलावीरा,
और धौलावीरा का उत्खनन किसने कराया था? बी के थापड़ ने। इसमें आपको तीनों याद रखने हैं सही से कि किसका उत्खनन किसने करवाया था। तो यहाँ पर बी के थापड़ ने नहीं करवाया, किसने कराया? आर एस बिष्ट ने करवाया था। इसको रिवाइज कर लीजिएगा कि जैसे अभी पढ़ रहे थे कि हड़प्पा का उत्खनन किसने करवाया था, दयाराम साहनी ने। लोथल का कौन करवा रहे हैं? एस आर राव। सुरकोतदा का जेपी जोशी। और धौलावीरा का कौन करवा रहा है? आर एस बिष्ट। तो ये गलत हो गया। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन एस आर राव, सुरकोतदा का उत्खनन जेपी जोशी ने कराया, धौलावीरा का बी के थापड़ ने नहीं बल्कि किसने करवाया है? आर एस बिष्ट ने करवाया है। क्वेश्चन नंबर चौवन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। तो ये यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला पहला पुरातत्वविद था जो इसके महत्व, तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व को टीले की खोज की, किंतु वह हड़प्पा के टीले के महत्व को नहीं समझ सके थे। और क्वेश्चन नंबर पचपन है, कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित तो अभी हमने राखला आर डी बनर्जी यानी राखला दास बनर्जी को पढ़ा है। दूसरा के एन दीक्षित इसमें सम्मिलित हैं। के एन दीक्षित को आपको याद रखना है, के एन दीक्षित सम्मिलित हैं उत्खनन में। एम एस बस भी सम्मिलित हैं। कौन नहीं सम्मिलित है? बी ए स्मिथ नहीं इसमें सम्मिलित हैं। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। माधो स्वरूप बस जो एम एस नाम दिया गया है, एम मतलब हो गया माधो स्वरूप, एस मतलब बस। माधो स्वरूप बस हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित है। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में राखला दास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातत्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान, अब इसमें हमें जो अन्य नाम याद रखने हैं जैसे के एन दीक्षित हो गए, ये वाले अपने सर नहीं पढ़े होंगे, के एन दीक्षित हो गए, अर्नेस्ट मैके, आर एल स्टीन, ए घोष, जे पी जोशी, के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर एल स्टीन, ए घोष, जे पी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि बी ए इसमें हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे बल्कि भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध रहे थे। क्वेश्चन नंबर छप्पन क्या है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो इसमें ऑप्शन हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो दिए गए। आंसर क्यों नहीं दिया गया? तो जयनारायण की पुस्तक जो है, इसको हमने पाषाण काल में भी देखा था, जयनारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। और रामशरण शर्मा की जो किताब है उसके अनुसार कि कालीबंगा के प्रायः सभी घरों में कुएं थे। तो यहाँ पर जब रामचरण शर्मा को लेंगे तो इसमें हमें आंसर क्या मिलेगा? कालीबंगा। लेकिन जो जयनारायण पांडे, उन्होंने सभी घरों में क्या बताया? कुएं और स्नानागार थे। क्वेश्चन नंबर सत्तावन है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? तो सोने के सिक्के, दूसरा है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, तीसरा है लोहे का हल, चौथा है नगर संस्कृति। तो जब हम इनको कालक्रम के अनुसार लगाएंगे तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? नगर संस्कृति, जिसको हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। और फिर तीसरे नंबर पर आएगा लोहे का हल, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के आ गए, और सबसे लास्ट में आएंगे सोने के सिक्के। तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि ये क्रम क्यों ऐसे लगा है। तो भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपने नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री ये नगर हम पढ़ चुके हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोतदा, बनावली। आज का टास्क आपका ये है कि आपको ये बताना है कि ये जो लोकेशंस बताई हैं आपको, जो ग्रीन कलर से देखिएगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोतदा एंड बनावली, इनके खोजकर्ता कौन है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता कांस्यकालीन है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? कांस्यकालीन, ये वर्ड भी याद रखना है, कांस्यकालीन है। और लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में, जो लोहा था, लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद
वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अस्तित्व में आया। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने जारी किए। देखने में लाइन छोटी है लेकिन क्वेश्चन इससे भी आ सकता है कि सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए। तो सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व ने जारी किए, जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी। जिनकी संख्या किसमें बढ़ी है? कुषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 58, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो सर्वप्रथम मानव ने किसका? तांबे का यूज किया। ये पेपर वनडे लेवल में बहुत पूछा जाता है कि सर्वप्रथम मानव द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया। तो तांबा धातु का प्रयोग किया गया और विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। क्वेश्चन नंबर उनसठ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिलता है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में कहाँ मिलता है? तो लोथल में मिलता है। कहाँ पर हमें मिल रहा है? लोथल में, हड़प्पी संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। और यह कहाँ पर है? लोथल गुजरात में। अब ये बताना है लोथल किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर साठ है, हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था कि हमें लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। तो तांबा सोना चांदी तीनों धातु यहाँ पर यूज में थी, लेकिन क्या नहीं था? लोहा और कांसा भी था। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तो आपको ध्यान रखना है कि लोहा यूज में नहीं था। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि धातुओं के मूल्य हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लगभग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? कौन सा स्थल घग्गर और इसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो पूछ रहा है घग्गर, तो हम जब पढ़ रहे थे तो दो स्थान थे घग्गर, एक तो कालीबंगा था, दूसरा क्या है? बनावली। तो हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला क्या है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सही है। दूसरा है, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ये भी सही है। तीसरा, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो यहाँ पर तीसरा कथन क्यों गलत है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था सोना चांदी तांबे एवं कांसे का तो ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, इसीलिए जो ऑप्शन ए सही माना जाएगा। क्या सही है? ऑप्शन ए सही है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सैंदव सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती ऑक्सफोर्ड प्रणाली की थी। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियाँ बनाई जाती थी, यानी जो सड़क थी उसके दोनों किनारों पर पक्की नालियाँ बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर क्या तैयार किया जाता था? कांसे को तैयार किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 63 है, कथन ए कारण आर। कथन क्या है? मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। दूसरा है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। कारण क्या बताया गया? कि खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें जब हम देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, यानी स्पष्टीकरण नहीं पता चल रहा है ना कि विलुप्त तो क्यों हो गए, और केवल इसने कारण बताया कि वह खुदाई के दौरान, तो इसलिए इसका जो आंसर निकल के आएगा क्या कि ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है किसका? ए का। तो आंसर नंबर बी सही है इसका। ऑप्शन नंबर बी सही है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर, ये आपसे पूछा था, किस प्रांत में है? तो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में। फिर से रिवाइज कर लीजिएगा कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाएं तट पर, और हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल मॉन्टगोमरी ज़िले में रावी नदी के बाएं तट पर है। किस नदी पर है? रावी नदी के बाएं तट पर। और नगर सैंदव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे जिनकी खोज उत्खननों के दौरान राखलादास बनर्जी तथा 1922 में आपको बताया था मोहनजोदड़ो की राखलादास बनर्जी और दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। वर्तमान में ये नगर मृत प्राय या विलुप्त स्थिति में। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलने हैं? तो ये हमें मिलने हैं धौलावीरा से।
धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। पहली कौन सी आपको बताई थी, राखीगढ़ी। कैसे बताई थी कि राखी पवित्र होती है इसलिए सबसे प्रथम स्थान पे। तो यहाँ गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई हैं। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है, यानी राकट रिजर्वियर महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर पैंसठ क्या है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह क्या है, गुजरात। और क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सा हड़प्पा स्थल नगर तीन भागों में विभक्त है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा हड़प्पा स्थल तीन नगर भागों में विभक्त है। तो ये आपको पीछे बताया था कि धौलावीरा होगा। धौलावीरा नगर आयताकार बना था, कैसा बना है, आयताकार। इस नगर को तीन भागों में किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। धौलावीरा नगर अभी बताया था गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। और धौलावीरा नगर की जो शेप है कैसी है, आयताकार है। इस नगर को तीन भागों में किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल से तीन नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये हमें मिले हैं, अभी बताया था कि एक किला नहीं याद आ रहा, ऊपर देख लीजिएगा, किला, मध्य नगर एवं निचला नगर। क्या था, धौलावीरा किला मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित था। किला मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित था। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कौन सा स्थल तीन नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा से। किला, मध्य नगर, निचला नगर हम याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, डिटेल वाले क्वेश्चन का करवाने का उद्देश्य बस यही है कि आपको मेंस में ये हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए इसको, कि कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो आपने पढ़ा होगा कि उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली हमने पढ़ी थी धौलावीरा में। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ के जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवास क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहाँ से जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, वही रिपीट हो रहा है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये भी बताया था, कहाँ से मिला है, धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, किस स्थल से दुई सब संस्कार यानी डबल बरियल का प्रमाण मिला है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कुंताशी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। अब इसका राइट आंसर इन्होंने आयोग ने नहीं दिया है, क्यों, क्योंकि लोथल से सर्वाधिक, यहाँ पर क्या बता रहा है, लोथल से सर्वाधिक तीन युगल समाधिकरण के, यहाँ पर डबल बरियल की बात कर रहा है, दुई सब संस्कार, और लोथल से क्या है, तीन युगल समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से भी, यानी जो कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई। यदि संख्या को आधार माना जाए तो उत्तर विकल्प क्या होगा, सही। अगर जैसे यहाँ पर कह रहा है सी सही हो संख्या के आधार पे, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। किंतु यदि प्रमाण के आधार पे माना जाए तो विकल्प सी एवं डी दोनों सही होगा। अब जैसे यहाँ पर अभी हम पढ़ रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन में लोथल से सर्वाधिक तीन युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी हमें क्या मिला, युगल समाधि प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर यदि संख्या को आधार मानेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, नंबर्स में जाएंगे तो लोथल, लेकिन प्रमाण यानी एविडेंस की बात करेंगे तो लोथल और कालीबंगा दोनों सही माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर इकहत्तर है, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है जो सनौली है उसके हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो उत्खननों से हमें मिला है मानव समाधान, क्या मिला है, मानव समाधान। ये याद रखिएगा,
याद नहीं होगा जल्दी कि सनौली से हमें क्या मिला, मानव समाधान। तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोद तहसील, बिल्कुल याद रखिएगा कि यूपी स्पेशल से भी रिलेट कर रहा है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपी के किस जिले में? बागपत जिले में बारोद तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा क्या है? उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे यूपी के बागपत जिले में बारोद तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए, जिनकी दिशा क्या है? उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की भी वस्तुएं मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर बहत्तर है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में? इससे पहले आपको मांडा बताया था, मांडा आपको बताना है कहाँ पर है, किस नदी के किनारे स्थित है। तो मांडा उत्तर प्रदेश के यहाँ पर पूछ रहा है, मांडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था बघरा ब्लॉक में। ये जो मांडी कहाँ पर है, आपका टास्क यही रहेगा, जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यूपी स्पेशल में देखना है कि सारी हड़प्पा के लोकेशंस कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया। बघेरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले हैं, इस हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 73, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, ये आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो से हमें कपास जो धातु है कपास में लिपटी हुई मिली थी। तो यहाँ पर हमें पता होगा कि भारत में कपास की खेती के सबसे पहले प्रारंभ की गई थी। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया और 1922 में राखलादास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना जिले में उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो यहाँ पर लक्षण दिए गए हैं, सिंधु सभ्यता के लोगों का चित्रण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये हमें देखना है। तो पहला है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो जब हमने इससे पहले डिटेल में पढ़ा था कहीं नहीं देखा था कि वहाँ पर हमें महल और मंदिर मिले थे। दूसरा हमने पढ़ा था कि देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो इससे पहले जो क्वेश्चन आया था जिसने आंसर नहीं दिया था, तो उसमें हमने देखा था कि वे शिव की पूजा भी करते थे और जो प्रकृति या मतलब देवियों की भी पूजा करते थे, और वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का, तो ये हमने कहीं भी डिटेल में नहीं देखा है कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, केवल दो। डिटेल देख लीजिए एक बार, वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में, यहाँ यानी ये बता रहा है कि प्रेजेंट तक अब तक जितने भी स्थानों की खुदाई हुई तो खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ हैं, मोहरे हैं। इनसे ज्ञात होता है कि यहाँ मातृ देवी पशुपति शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीवों की उपासना प्रचलित थी। तो इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत क्या था, यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ एवं मोहरे। इनसे ज्ञात होता है कि मातृ देवी पशुपति शिव लिंग एवं योनि की पूजा, ये आपको ध्यान रखना है कि किस किस की पूजा कर रहे हैं। जब ज़्यादा डीप में जाएगा तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो किसकी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो हाँ, यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं मिले। इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत क्या था, मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ एवं मोहरे थी। और इनसे यह ज्ञात होता है कि किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की, पशुपति शिव की, लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में बात कर लेते हैं, पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा, घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है, घोड़े के चित्र नहीं मिले। यहाँ पर चित्र की बात हो रही है, तो हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े की अस्थियाँ में कहाँ से, ये आपको पढ़ाया था, लोथल, सुरकोतदा एवं कालीबंगा से मिले। कहाँ से मिले हैं, लोथल, सुरकोतदा एवं कालीबंगा आदि स्थलों से प्राप्त हुई। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसे साक्ष्य का अभाव, यानी अभी तक ऐसे साक्ष्य नहीं मिले। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो ये कपास वाला भी हम देख ही चुके थे कि मोहनजोदड़ो से हमें इसे सूत के साक्ष्य मिले हैं। तो पहला वाला एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, इसमें बता रहा है कि धार्मिक तत्व तो विद्वान था यानी यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा,
एक और दो, दोनों यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में समता मानता माना जाता है कि यह प्रधानता लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्रों के साक्ष्य मिले, जिससे स्पष्ट होता है कि वहां के लोग इसका निर्माण करते थे। क्वेश्चन नंबर छिहत्तर है, निम्न स्थानों में से किसी एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात बिरसा मुद्रा प्राप्त हुई। ये पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात बिरसा मुद्रा कहाँ से मिली। तो ये आपने पढ़ा था मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति कौन सा है? कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा किसने की है? मार्शल महोदय ने की। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई वह अभूतपूर्व है। क्वेश्चन नंबर सतहत्तर है, किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर नहीं मिलता है? तो बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था जब डिटेल में कि घोड़े का साक्ष्य हमें नहीं मिला है, लेकिन जैसे हड्डियाँ कहाँ से मिली हैं? कालीबंगन, लोथल, सुरकोतदा से मिली हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो बैल का मिलता है, हाथी का भी, भेड़ का। बैल, हाथी, भेड़ का मिलता है लेकिन घोड़े का नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष आपको बताए थे, लोथल, सुरकोतदा, कालीबंगा से मिले हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 78, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? यहाँ पर पूछ रहा है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में, अब जैसे अवशेष की बात हो रही है तो हमने बताया था घोड़े के अस्थि अवशेष हमें मिले हैं लेकिन नहीं मिले हैं, पूछ रहा है तो शेर के होंगे, घोड़ा भी होगा, हाथी भी होगा, गाय भी, इन सभी के अवशेष तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं लेकिन किसके नहीं मिले? शेर के। तो गाय, हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात घोड़ों के अवशेषों को सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से बाघ एवं चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख है किंतु शेर का उल्लेख हमें नहीं प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर उन्यासी, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो मृण पट्टिका है तो उस पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई कहाँ से मिली है हमें? बनावली, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोतदा से। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हुआ? कालीबंगा से। कालीबंगा के मृण पट्टिका पर, जो मिट्टी की पट्टी ऐसी होती है, तो कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कालीबंगा, ये आपको याद रखना है क्योंकि हमारे दिमाग में बार बार मोहनजोदड़ो ही क्लिक होगा। यहाँ पर देख लीजिए मोहनजोदड़ो ऑप्शन में है कि नहीं है। तो मोहनजोदड़ो ऑप्शन में नहीं दिया गया, क्या क्या है? बनावली है, कालीबंगा है, लोथल, सुरकोतदा है। तो कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है और इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? क्वेश्चन नंबर 80, तो इसमें हम पूछ रहा है कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। तो इसमें हो गया कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी, तो इसमें जो ऑप्शन है जैसे रोमन सभ्यता हो गया, सिंधु घाटी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। नील नदी के तट पर आपने पढ़ा होगा कि मिस्र की सभ्यता पनपी थी। तो मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता की आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग क्या होता? रेगिस्तान होता। मिस्र कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। इसकी समकालीन सभ्यताएँ सिंधु घाटी सभ्यता भारत तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक की थी। क्वेश्चन नंबर 81, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हो सकता है रिपीट हो तो आप इसको देख लीजिए, ROR से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम पूछा गया है। तो ये हमने अभी डिटेल में नहीं पढ़ी है कि कहाँ से ये पूछेंगे, जैसे एस्टेक, इसका जो उत्तर से दक्षिण, तो पहले एस्टेक, फिर माया, मुइस्का, इंका। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि एजटेक भी है, माया, मुइस्का, इंका। तो एस्टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। अब जैसे इसको मैप में अपने माइंड में मैप क्लियर कर लें तो हो जाएगा कि एस्टेक सभ्यता का विस्तार कहाँ था? मेसो अमेरिका, यानी जो मध्य अमेरिका का है उसका उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के मध्य मेक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टा रिका तक के क्षेत्र शामिल हैं।
अब ये आपको नहीं याद आ रहा, सीधे जो मैक्सिको से नीचे और उधर जो दक्षिण अमेरिका उससे ऊपर वाला क्षेत्र है उसमें देख लीजिएगा, ये सारे कंट्रीज आएंगे तो एस्टेक सभ्यता का विस्तार वहाँ पर है। एस्टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था और मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मैक्सिको से लेकर बेलीज, कौन कौन से कंट्रीज इसमें शामिल हैं, बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सलवाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रकार एस्टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिण, जो माया सभ्यता कहाँ पर है तो ये दक्षिण अमेरिका, दक्षिण जो मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग पर अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सलवाडोर एवं होंडुरास तक था। तो इसको आज मैं आप मैप में देख लीजिएगा कि मेसो अमेरिका का दक्षिणी भाग दक्षिणी मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सलवाडोर एवं होंडुरास तक था। इसके अलावा हम दूसरी सभ्यता जो मोइस्का है तीसरे नंबर पर, मोइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विकसित थी। तो मोइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में, जबकि इंका जो इंका है इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तरी क्वेटर से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। तो ये जो इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्वेटर से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। जब हम इसको उत्तर से दक्षिण में लगाएंगे तो पहले अभी हम देख चुके हैं एजटेक, फिर आएगा माया, मोइस्का तथा इंका। तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन जो बचा है क्वेश्चन नंबर बयासी क्या है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। क्या पूछ रहा है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी, सुमेरिया। तो सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफार्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो आज हम इतना ही कंप्लीट करेंगे, कल हम देखेंगे वैदिक काल को डिटेल में और उसके बाद उसके MCQs को करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए और अच्छे से सेल्फ स्टडी को जारी रखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन हो सकता है जल्दी ही आ जाए और फिर एकदम तैयारी नहीं हो पाएगी। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।